Hey guys, welcome to Motor Octane. कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों आज फाइनली अनवील होगी एक ऐसी SUV जिसके लिए हम काफी टाइम से रुके हुए थे, विच इज द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अब इससे पहले इस गाड़ी के डिटेल्स में मैं जाऊं, लेट मी टेल यू सम फैक्ट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स। क्या आपको लग रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग अर्बन क्रूजर है उसका अपग्रेड है? जी नहीं, दिस इज एन ऑल न्यू व्हीकल जो टोयोटा ने आज अनवील की है यहाँ पे, और ये जो है ज़्यादा लंबी है। सो दिस इज बेसिकली अ कैटेगरी जहाँ पे ये कम्पीट करेगी विद द लाइक्स ऑफ Hyundai Creta, Kia Seltos, एक्सेट्रा। तो अब इस गाड़ी के बारे में सारे डिटेल्स हम आप तक पहुँचाने वाले हैं, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस? कि यहाँ पे आपको पूरी नई स्टाइलिंग मिल जाती है। तो इसका फ्रंट जो ग्रिल है वो एक्चुअली क्लोज्ड है यहाँ पे, इफ़ यू लुक एट इट, जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। और यहाँ पे आपको क्रोम बैजिंग दी गई है, एंड दिस इज सी कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश देने की कोशिश की गई, बट इट्स एक्चुअली विद इन। ओके, नीचे जैसे आप आएंगे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है दिस एलिमेंट, यहाँ पे ये पैच इज ओपन जो ग्रिल है, और यहाँ पे हाफ ग्रिल इज शट। So this is what they've tried to do. आपको यहाँ 360 कैमरा आता है, तो यू गेट अ कैमरा राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इसमें आपको डे टाइम रनिंग LEDs आ जाते हैं, विच इज़ हियर ऑन टॉप। सो इट्स कम्प्लीटली स्प्लिट हेडलैम्प फॉर्मेट जो आपको यहाँ इस गाड़ी में दिया गया। तो ऑन टॉप आपको मिल जाते हैं LEDs, अंडरनीथ आपके पास है हाई प्रोजेक्टर LEDs जो आपने दूसरी मारुति एंड टोयोटा की गाड़ियों में देखे। सो दिस हैज़ बीन मेड हियर। सो ये प्रोजेक्ट जो है हैज़ बीन मेड फ्रॉम मेड बाय टोयोटा एंड मारुति टुगेदर। इस वजह से आपको दोनों गाड़ियों के कनेक्ट दिखाई देंगे, दोनों के फीचर्स यहाँ दिखाई देंगे, बट दिस हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड कम्प्लीटली इन कर्नाटका। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ द व्हीकल, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे दिखती है इन इट्स ओवरऑल साइज। जब आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये 4 मीटर से लंबी है। सो जैसे ब्रेजा एंड द लाइक्स आती है तो वो 4 मीटर की होती है, दिस इज़ मच लॉन्गर देन दैट। अब एग्जैक्ट डायमेंशन कंपनी ने हमारे साथ शेयर नहीं की है, बट इट्स डेफिनेटली अबाउट 4.2-4.3 meters अप्रॉक्सीमेटली इन लेंथ। सो सारे डिटेल्स रिवील नहीं किए गए, प्राइस नहीं रिवील की गई है, गाड़ी सिर्फ अनवील हुई है आज। प्राइजिंग वगैरह आपको मिलेगी एज वी प्रोग्रेस। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, सो यू हैव 17 इंच व्हील्स विच अ क्लियर इंडिकेशन कि क्रेटा कैटेगरी को यहाँ टारगेट किया जा रहा है विद दिस व्हीकल। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द बैक आप नोटिस करोगे कि पीछे के टायर्स पे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, विच मीन्स कि यहाँ फोकस दिया जा रहा है ऑन एवरीथिंग इन द व्हीकल। ओके, एक बार पूरा साइड देख लें आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे लग रही है पूरी गाड़ी। एक बार अच्छे से देख लो, इट्स अ मोर ऑफ अ क्रॉसओवर डिज़ाइन यहाँ जो दिया गया रादर देन अ वेरी बल्की SUV लुक, तो वो एक डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे किया गया है। एंड आपका जो रूफ है दैट्स कमिंग विद अ कॉन्ट्रास्ट रूफ, तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ऑफकोर्स द बॉडी कलर दिया गया है। एंड इवन ब्लैक के साथ साथ आपको यहाँ जो एलिमेंट मिल रहा है दैट्स अ मैट ब्लैक, एंड ये ब्लैक फिनिश दिया गया है, एंड दिस इज अ लिटिल मोर लाइटर कंपेरेटिवली। आपको रूफ रेल्स भी आते हैं बट दे आर नॉट फंक्शनल यहाँ पे जो दिया गया है। एंड आपको एक पैनोरामिक सनरूफ है जो बेसिकली यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से शुरू होते हैं काफ़ी पीछे तक आता है, एंड जो गाड़ी का डोर है वो समवेयर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया यहाँ कवर होगा, वील शो यू ऑन द इनसाइड ऑल्सो फॉर श्योर। पर आपको मैं एक हॉन्च दिखाना चाहता हूँ, ये जो हॉन्च दिया गया है ना ये बहुत ही मस्कुलर लुक देने की स्क्वायरिश दी गई है, ताकि ये जो SUV का कैरेक्टर है वो क्लियरली दिखाई पड़े। अब रियर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि दिस SUV, जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी लग रही है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। आपको स्लीक टेल लैम्प्स मिल गए, पहले वाइड में अच्छे से 2-4 सेकंड देख लो, यू अब्जॉर्ब द होल थिंग, वी विल मूव इनटू ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसके जो टेल लैम्प्स है वो काफ़ी स्लीक है एंड काफ़ी आगे तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड जो टोयोटा का टिपिकल वो क्रोम देने का स्टाइल है उसे यहाँ रिटेन किया गया है। वैसे आपके पास इस गाड़ी में यहाँ शार्क फिन एंटेना भी अवेलेबल कराया गया है। एंड नाउ लेट मी मूव ऑन टू द बूट एलिमेंट ऑफ द कार। उससे पहले एक्चुअली यहाँ देख रहे हैं हाइब्रिड है, वी वेरिएंट है, हाइब्रिड है, एंड आपको ये साइड टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर दिया हुआ है। एंड यू नोटिस यहाँ पे भी आपको बेसिकली इंडिकेटर्स आते हैं, आपका रिवर्स कैमरा चल रहा है, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग ओवर हियर। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो ये हाइब्रिड वर्जन जो है
हम देख रहे हैं इस समय. सो इस वजह से यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि एक पॉइंट आ गया जहाँ पे इसकी बैटरी मोटर एक्सेट्रा प्लेस्ड है. इस वजह से ये वाले वर्जन का बूट छोटा है कंपैरेटिवली. पर जो दूसरा वर्जन आएगा जो पेट्रोल वर्जन, उसमें आपको बूट इधर तक नीचे तक रहेगी क्योंकि ये हाइब्रिड है यहाँ पे नीचे. तो आपने होंडा सिटी हाइब्रिड का हमारा वीडियो देखा था जहाँ पे हमने बताया था कि कैसे उसकी 200 लीटर की बूट स्पेस कम हो गई थी. तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी हो जाती है. अगर आप हाइब्रिड वर्जन लेते हैं तो क्योंकि वो बैटरी यहाँ तक बैठी है, इस वजह से आपकी बूट स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी. मे बी दो सूटकेसेस जस्ट बैठ जाए यहाँ पे, नॉट मोर देन दैट. और आपका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ से नहीं एक्सेसिबल होगा आपको बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि यहाँ पे आपका बैटरी पैक दिया गया है. तो आपका स्पेयर व्हील नीचे से आपको एक्सेस करना पड़ेगा इस गाड़ी का. अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यू विल हैव टू एक्सेस इट फ्रॉम अंडरनीथ द कार. चलो गाड़ी के अंदर जाते हैं एंड वील टेल यू व्हाट स्पेस इज देयर फॉर रियर पैसेंजर्स. अब जैसे ही मैं सेकेंड रो में यहाँ आके बैठता हूँ, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी है. नी रूम में कोई कमी नहीं है यहाँ पे एंड ओवरऑल हेडरूम भी डिसेंट इनफ है. देयर इज नॉट मच ऑफ एन इशू ओवर हियर. आप नोटिस करोगे कि तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ मिल जाते हैं आपको एंड यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रही है. देख रहे हैं ये लेदर अच्छा खासा फिनिश है. ये ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल रहा है. आपको आइसोफिक्स सीट्स मिल रहे हैं. ओके प्लस आपको रियर पैसेंजर्स को सुविधाएं क्या क्या मिल जाती है, तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड उनके लिए एक चार्जिंग पॉइंट का भी सुविधा की गई है. तो देख लीजिए आपके पास एसी वेंट्स है, दो चार्जिंग पॉइंट्स है, एक टाइप सी है और एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ मिल जाता है. सीट के पीछे भी आपको स्टोरेज दी गई है यहाँ पे एंड आराम से दो लोग तीन लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं. फ्लोर बहुत फ्लैट नहीं है, देख सकते हैं आप नीचे, फ्लोर एकदम फ्लैट नहीं है बट डिसेंट इनफ है. तो तीसरा बंदा अगर बैठेगा तो जस्ट कंफर्टेबली बैठ पाएगा. अब डोर पैड्स भी अगर आप देखते हैं तो आपको एक लीटर की बॉटल आराम से बिठा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. सो देयर इज मोर देन सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे. अब जो मैं आपको बता रहा था ना पीछे आपको सनरूफ कहाँ तक आता है, तो यहाँ देख रहे हैं सनरूफ आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है. सो अगर आप यहाँ बैठे हैं आपको सनरूफ थोड़ा ऊपर आता है विच इज़ डिसेंट इनफ एंड आपके पास यहाँ पे भी लाइट मिल जाती है दोनों साइड एंड यू गेट अ टो हुक हैंग करने के लिए उसी साइड मिलता है आपको. इस साइड में वो अवेलेबल नहीं कराया गया है. अब फ्रंट में जाके देखते हैं कितनी स्पेस दी गई है एंड व्हाट इज अवेलेबल. ऑलराइट गाइज, अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं. आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन एवरीथिंग हियर ताकि आप पूरा डिटेल्स देख सके गाड़ी में क्या क्या है. आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी व्हाट इज वेयर. सो आपको जो मटेरियल्स यहाँ दिए गए, ओके दिस इज हार्ड टच हार्ड प्लास्टिक बट फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है वो. तो दैट्स अ टिपिकल टोयोटा, देयर यू कैन नॉट हैव दैट प्रॉब्लम. प्लस यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है ब्राउन कलर की. सो इट लुक्स प्रीटी नाइस नीट ऑन द इनसाइड. अगर आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है कुछ हाइट के लिए एडजस्ट हो सकता है एंड रीच. सो इट्स अ कंप्लीट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील. आपको ये सेम मारुति जैसा ही स्टीयरिंग व्हील है. सो आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ऑडियो, नीचे आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स फॉर योर टेलीफोन. ये आपका क्रूज कंट्रोल है एंड अब देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. जो बेसिकली कुछ इशू चल रहा है पॉसिबली इट सीम्स लाइक विद द व्हीकल राइट नाउ. सो लेट मी ट्राई एंड सी, आई मीन होल्ड अगर हम ओके करेंगे तो इट बिकम्स फाइन. सो लेट्स डू दिस. हाँ तो देखिए इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीके से दिखता है. यू कैन सी एवरीथिंग यहाँ पे. ओके तो क्योंकि ये हाइब्रिड आप नोटिस करोगे यहाँ पे इको चार्ज एंड पावर मोड दिया गया है और ये साइड आपको मिल जाता है फ्यूल का गेज, यहाँ पे मिल जाता है आपको टेम्परेचर गेज. सो यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और आप ये सब कुछ यहीं से चेंज कर सकते हैं. देख रहे हैं आप, सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप डायरेक्टली यहीं पे से कंट्रोल कर सकते हैं. अब इसको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. यहाँ पे आपको ओवरऑल हेड्स अप डिस्प्ले भी है इस गाड़ी के अंदर. जो फिलहाल अगर हम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो यहाँ पे सेम जो आपको मारुति वाला हेड्स अप डिस्प्ले आता है वही मिल जाता है इसके अंदर. आपके पास टच स्क्रीन सिस्टम है सेम मारुति वाला ही जो इधर ऑफर किया गया है. सो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको वही 360 व्यू दिखाएगा अराउंड द व्हीकल. ओके सो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है इसके अंदर. सो दैट्स व्हाट इज क्लियरली अवेलेबल इधर. ये सेम स्मार्ट प्रो प्लस है मारुति वाला जो जनरली मारुति में आता है जो हमने कल ही ब्रेजा में देखा. इट्स द सेम स्क्रीन. अब यहाँ देखते हैं आप, यहाँ पे आपको मिल जाता है योर एसी वेंट्स. अंडरनीथ आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे, उसके नीचे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का है एंड नीचे आपके पास है दो चार्जिंग पॉइंट्स उसके नीचे एंड आपके पास वायरलेस चार्जिंग का भी पोर्ट यहाँ दे दिया गया है. ओके सो इधर आपको मिल जाते हैं आपका पूरा
ऑटोमेटिक, सो सेम मारुति वाला ही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स यहाँ मिल जाता है आपको इसके अंदर. एंड आपको ईवी मोड है, ड्राइव मोड है, आपके पास फ्रंट दोनों सीट्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है. प्लस यहाँ देखेंगे तो आपके पास मिल जाते हैं कप होल्डर्स. ओके, आपका जो आर्मरेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं. एंड आपके पास अंडरनीथ इधर भी स्टोरेज दी गई है. अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है इन साइज. एंड दिस इज नॉट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स जो यहाँ मिल रहा है आपको. जो एसी वेंट्स IRVM है, दैट इज ऑल्सो ऑटो डे एंड नाइट आपको मिल जाता है यहाँ पे. एंड एक बार मैं आपको सनरूफ दिखाना चाहूँगा वंस अगेन टू सी वॉट साइज इट इज, सो यू गेट अ मच बेटर आइडिया ऑन हाउ बिग द सनरूफ इज. अगर आप इसका सीट देखते हैं तो आपको इसमें लेदर मिल जाता है, लेदरेट मिल जाता है. एंड ये वेंटिलेटेड है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है यहाँ पे. सो इट्स सिमिलर जो आपको XL6 में मिलता है. मैं आपको डोर पैड भी दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है डोर पैड में, विच इज क्लियरली एविडेंट. सो गाइज, जो ईवी मोड आपने देखा उसे आप एक्टिवेट करके 2-3 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ ईवी मोड पे चला सकते हैं, जैसे कैमरी हाइब्रिड में भी आता है. अब लेट्स मूव ऑन टू इस गाड़ी में क्या क्या इंजन है और इसकी सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या अवेलेबल कराया गया. तो गाइज, ये था इस गाड़ी का डिज़ाइन. ओवरऑल आपने देख लिया, फीचर्स स्पेसिफिकेशंस की बारी बाकी है. सो इसका लॉन्च अभी तक अनाउंस नहीं किया, समवेयर दिवाली के आसपास हो जाना चाहिए. मोर देन दैट मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन जाने वाले हैं. तो एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो मारुति वाला है, तो 103-105 BHP जो आता है 5-speed मैनुअल वाला, एक तो वो इंजन रहेगा. सेकेंड इंजन जो आपके पास रहेगा वो टोयोटा का 1.5 लीटर इंजन रहेगा. अब इसकी खासियत ये रहने वाली है कि पहली चीज़ ये इंजन जो है अलग है, एंड सेकेंड ये आएगी विथ हाइब्रिड. ये प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, जैसे आपको कैमरी में मिलती है या अकॉर्ड में मिलती थी, उस टाइप का प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में ऑफर किया जाएगा. तो फिलहाल जो हमने गाड़ी देखी थी वो पूरी हाइब्रिड थी, तो इस वजह से आपको इसमें सारे फीचर्स जो देख रहे थे, वो पीछे बूट छोटा था, आपको रियर व्हील ड्राइव है तो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, सेफ्टी के मामले में भी सब कुछ ध्यान दिया गया, 6 एयरबैग्स, ABS+CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल, यू नेम इट, इट हैज इट. ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपको चाहिए रहता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल कराया जाएगा. सो इट्स अ मिक्स जो गाड़ी बनाई है, टोयोटा एंड मारुति ने साथ में मिलकर इस गाड़ी को बनाया है. एंड मारुति का भी वर्जन आगे चल के आने वाला है ऑफ दिस SUV. सो उम्मीद करते हैं मैंने आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई किया है. प्राइसिंग इसकी अभी तक रिवील नहीं की गई है, यू जस्ट हैव टू वेट अ लिटिल बिट मोर. बुकिंग्स इसकी खोल दी गई है, 25,000 रुपये में आप ये गाड़ी बुक कर सकते हो. मेरा अनुमान अगर सही है तो ये आपको 12-12.5 से इसका प्राइस चालू होगा, और 20-23 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग जानी चाहिए ओवरऑल. तो गाइज, अगर आपके पास अभी भी कुछ सवाल है, इफ़ यू थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, यू कैन स्पीक टू अस. जी, आप एक फ़ोन कॉल पे मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सके. आपको सिर्फ motorocktane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ आपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है. नाउ इज़ इन दैट वेरी इजी फॉर यू. प्लस आई नॉट एंड इट हियर, मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही कीजिए, क्योंकि आपको रोजाना बहुत सारा एक्साइटिंग कॉन्टेंट मिलने वाला है हमसे. जी हाँ, रोजाना. तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना यू विल मिस आउट ऑन ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स. सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय.